के मेरे पते बुलाएंगे योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी मे सारे कबूल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 70 साल में पहली बार मैं भी सियासतदारा के घरे जन्म रहा। अज मेरी उम्र बीत गई है, 70 साल मैं उड़ीकता सी कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा सीएम जरा पंजाब की धरती बारे सोचे, पंजाब के लोगों बारे सोचे। किसान वालों तो लैके अज तक मैनू एक हीरा मिलया, यह भी गुरु घर का हुक्म है। मैं तो गुरु घर का डाकिया होका बंदा फिरता, थोड़े को चिट्ठी लेके आया कि अकाल पुरख ने गुरु घर ने थोड़ा एक हीरा भेजा। मैं इन्हों आलादीन का चिराग कहना, वो इस करके कि 3 महीने कद सीएम बने रहे। मैं इन्हों की लिस्ट जो काम किया देख रहा, हैरान इस गल कि पहली बार कोई ऐसा लीडर आया जिन्हें 3 अरब रुपया पंजाब के धरती के लोगों को बढ़िया दसो है कोई। और मेरी गल याद रखिए, सुधीर जी मूह सुभावे गल निकलदियां ने, इन्हों संभाल के रखियो, मुड़ के वक्त नहीं मिलना। थोड़ी पुकार रब ने सुनी है, अकाल पुरख ने थोनू एक फकीर, एक जनरल, एक लीडर भेजा, इन संभाल के रखिया ने। जे हुण वक्त पुज गया, जे हुण तुसी ना संभ सके, फिर पंजाब नूं किसी ने नहीं बचाउणा। चरणजीत सिंह चन्नी जी दे नाल मैं कदम ना कदम मिला के पिछले 15-13 साल चल रहा, यकीन करो। मैं भी इस मंच तक खड़ा नहीं, मैं कहीं जाना, लेकिन थोनू इन्हों का प्यार होगा, मैनू इन्हों का इश्क हो गया खुदा। और एक गल थोनू होर कहना, एडी फकीर की याद करो, नोट कर लेते सारे। एक सीएम बने और सीएम बन के सत्ता के बिच भी आओगे, तो 10 साल राज करने तो बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बन गए। यह भी वेख के अपनी जेब चाले होगी। कदे कदे रब दुखदा, कदे कदे खुश हुंदा। पंजाब वासियो, मैं सारे पंजाब नूं कहिंदा, संभाल के रखियो इस हीरे नूं। हुणे मौका, मुड़ के मौका नहीं मिलना। इह चरणजीत सिंह चन्नी जी आउण वाले पंजाब दा भविख ने इह बदल के रख लैणगे पंजाब नूं। सारे नाल मिल के चलियो, किसी ने कुछ कहना कोई फर्क नहीं पैंदा। कावां दे बैल नाल पनेरे नहीं पैंदे। जे कोई निंदिया कर रहा है, जे कोई कुछ कह रहा है, कोई फर्क नहीं पैना। यह विधाता ने लिखा है कि चरणजीत सिंह चन्नी जी और हमारे सीएम ने और हमारे पंजाब लीडर ने पंजाब नूं सुनहरा पंजाब बना के हटेंगे। ये मेरी गल याद रखेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।